दोस्तों, हमारे ग्रुप में क्वेरी चल रही है कि अगर कोई टिकट क्रिएट करते हैं तो टिकट के साथ एक ऑटोमेटिक मेल जानी चाहिए, ठीक है। तो उसके रिलेटेड मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है जो शायद आप सबको हेल्पफुल रहेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा जो ईमेल कॉन्फ़िगरेशन है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। हम अगर कोई भी ईमेल वर्क फ्लो से सेंड कर रहे हैं तो वो वर्क फ्लो ऑटोमेटिक ईमेल वर्क कर रहा है कि नहीं। इवन हमारा यूज़र का भी, जो जिस यूज़र से हम लॉग इन है, वो यूज़र भी, उसका यूज़र लॉग इन भी ईमेल वर्क कर रहा है कि नहीं, वो भी हमें चेक करना है। तो वो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। वो चेक कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड बार में मेल सर्च करेंगे और मेल के अंदर कोई भी एक मेल कंपोज करेंगे, टेस्ट मेल, ठीक है। जैसे मैंने आज अभी कुछ किया है, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ। जेएमडी सॉल्यूशंस, टेस्ट टेस्ट वो जो चीज़ यहाँ पे, और हम इसको सेंड कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल सेंड हो रहा है और हमें आगे मेल रिसीव हो रही है तो हमारा वो वर्क फ्लो काम, ये सक्सेसफुल सेंड हो रहा है और यहाँ पे हमें ये टेस्ट मेल मिल गई है, दैट मीन्स हमारा काम, ईमेल सर्विस वर्किंग है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें कुछ टेम्पलेट्स क्रिएट करने हैं। तो टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले टेम्पलेट में जाना है, और ये मैंने एक टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है, वो आपको दिखा रहा हूँ एडिट करके। न्यू टिकट क्रिएशन मेल टेम्पलेट, डिस्क्रिप्शन उसके हिसाब से डाल दी, मॉड्यूल वाइज टिकट मॉड्यूल, और यहाँ पे आप फील्ड जब भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसका ईमेल आईडी कौन से ईमेल से जाएगा, उसका सब्जेक्ट लाइन क्या रहेगा, रिप्लाई में मुझे चाहिए कि नहीं, रिप्लाई टू चाहिए कि नहीं, और कौन से नाम से जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो डिटेल है मेल में क्या कंटेंट जाएगा वो भी हमने यहाँ पे डायनामिक बनाया है कि डियर टिकट आईडी, यहाँ पे टिकट आईडी में जो भी कॉन्टैक्ट आईडी है उसका नाम जाएगा, यहाँ पे अकाउंट का नाम जाएगा कि डियर संकेत बारोट फ्रॉम जेएमडी सॉल्यूशंस, और यहाँ पे ये हमारी कंपनी का नाम है। उसका सब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे पेस्ट किया है वही सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, जो सॉरी टिकट में जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे मेंशन करेगा, टाइप मेंशन करेगा, स्टेटस उसका जो भी करंट स्टेटस आएगा वो, उसकी बेसिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नाम ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो हमने यहाँ पे मेंशन किया। प्रॉब्लम उसने क्या रिपोर्ट किया था, जो हमने कॉमेंट में एंट्री किया है, रिजोल्यूशन में हमने कुछ अपडेट किया है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, और उसके रिलेटेड बाकी एक्नॉलेजमेंट करके थैंक यू मैसेज है। तो ये टेम्पलेट आपको क्रिएट कर लेना है, ये मैंने सिंगल टेम्पलेट ही बनाया है, बाकी तो हम अंदर कंटेंट चेंज करने वाले हैं तो वो तो वैसे भी डायनामिक आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग बनाने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। तो ये टेम्पलेट क्रिएट हो गया, अभी करना क्या है कि वर्क फ्लो क्रिएट करना है कि जब भी कोई नई टिकट क्रिएट होती है तो इसके लिए हम जाएंगे एडमिन में, एडमिन में हम सर्च करेंगे वर्क फ्लो, जो ऑटोमेशन में हमें यहाँ पर मिल जाएगा वर्क फ्लो, वर्क फ्लो में हमने यहाँ पे एक टिकट किया है अलर्ट ऑन न्यू टिकट क्रिएशन, ठीक है। टाइप है व्हेन रिकॉर्ड सेव, यहाँ पे हमने बनाया है वर्क फ्लो को अलर्ट ऑन न्यू टिकट से, वर्क व्हेन रिकॉर्ड सेव अलर्ट देन एक्शन, मॉड्यूल को टारगेट किया है टिकट, स्टेटस एक्टिव के, अप्लाई टू मीन न्यू एंड अपडेट, ओके। इसकी कंडीशन में हमने ये लिया है कि व्हेन स्टेटस इन द टिकट मॉड्यूल कंटेंस अ स्पेसिफिक वैल्यू नॉट इक्वल टू क्लोज, अगर इक्वल टू क्लोज नहीं है तो उसको एक मेल जाएगी, क्योंकि बाकी ये वाला ऑप्शन है, व्हेन फील्ड इज टारगेट मॉड्यूल इन स्पेसिफिक वैल्यू स्टेटस में क्या वैल्यू आनी चाहिए कि नॉट इक्वल टू क्लोज, क्योंकि इसमें हमें सारे स्टेटस पे मेल करना है, क्लोज होने के बाद मेल नहीं करना है, तो कोई भी स्टेटस अगर आप अपडेट करोगे तो उसको मेल जाएगी, ओके। तो हमने क्लोज अगर नहीं है तो मेल जाएगी, इस तरह से क्रिएट किया है सेव, एकदम सिंपल है, एकदम बेसिक है। इसके बाद हमने यहाँ पे अलर्ट्स लिया है, अलर्ट्स में आप देखेंगे तो शो पे क्लिक करेंगे, ऑल यूजर इन स्पेसिफिक रोल यूजर एंड रिसिपिएंट एसोसिएटेड विद द टिकट मॉड्यूल, तो दोनों को मेल जाएगी, जो यूज़र क्रिएट कर रहा है उसको भी और जो कस्टमर है उसको भी,
ठीक है, हमने ये टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट करना है जो भी क्रिएट किया था, कस्टम अलर्ट ऑन अलर्ट ऑन न्यू टिकट्स कस्टम टेम्पलेट ले लिया। ऑन वही फील्ड जो भी यूज़र हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ से दो क्वेरी हमने दिए, ऑल यूज़र इन स्पेसिफिक रोल एंड रिसिपिएंट एसोसिएटेड विद द टारगेट मॉड्यूल प्राइमरी प्राइमरी। ओके, जैसे ही आप ब्लैक करोगे इसके बाद हम कुछ एक्शन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई एक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें खाली एक अलर्ट भेजना है। तो यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो रहा है, ये हो गया। ओके डन, इसके बाद हम एक टिकट क्रिएट करते हैं, नया टिकट सबसे पहले हम टिकट में मेंशन करेंगे टेस्ट टू वर्कफ्लो, स्टेटस में हम न्यू करेंगे, अकाउंट नेम में आप टाइप करके भी ले सकते हो या सिलेक्ट भी कर सकते हो, तो DMD सॉल्यूशन डेमो, यहाँ पे हम टेस्ट मेंशन कर रहे हैं, बाकी कोई फील्ड में ज़रूरी अभी डेमो के लिए है तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स ले रहा हूँ संकेत, और उसका ईमेल आईडी यहाँ पे अपने आप आ जाएगा जो रिलेट करके अपने आप आता है। ठीक है, बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे क्वेरीज रख सकते हो और फील्ड को प्राइमरी मैंडेटरी रख सकते हैं। जैसे ही आप सेव करोगे टेस्ट टू वर्क को JMD सॉल्यूशन, और मेरा ईमेल आईडी है jmdesolutionsindia@gmail.com। तो ये आपको जो टिकट क्रिएट सक्सेसफुल हो गई उसका मेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए 13 नंबर न्यू सपोर्ट टिकट नंबर 13 टेस्ट फॉर वर्कफ्लो जो हमने बनाया था वर्कफ्लो। ओके, ये मेल आ गया पूरा, मैंने क्या बोला था कस्टमर का नाम और उसकी कंपनी का नाम आएगा, ये हमारा टाइटल आ गया, ये सब्जेक्ट हमने जो रखा है वो डेमो न्यू एंड कॉन्टैक्ट कस्टमर इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे मेंशन कर दी, उसका जो भी प्रॉब्लम उसने रिपोर्ट किया था वो रिजोल्यूशन हमने अभी इसमें कुछ लिखा नहीं है तो वो नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम इसको एडिट करते हैं, देखिएगा इसको अगर अब ये न्यू में है ध्यान रखिएगा, ये न्यू में है ये ध्यान रखिएगा, हम इसको चेंज करेंगे और यहाँ पे कमेंट चेंज करेंगे। ओके, तो अभी हम इसको एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद न्यू को हम असाइन टू करेंगे और यहाँ पे हम कमेंट डालेंगे कस्टमर सॉल्यूशन रिजोल्यूशन में हम डालेंगे क्रिएट वर्कफ्लो एंड क्रिएट वर्कफ्लो ही लिखते हैं, बाकी ये जस्ट टेस्टिंग कमेंट है। ओके, और इसको हम सेव करेंगे, हमने दो चीज़ की है, असाइन टू, यहाँ पे दो कमेंट्स अपडेट किए। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, हमने जो क्वेरी डाली है वो स्टेटस पे डाली है, तो जब भी स्टेटस अपडेट होगा तब मेल फायर होगा, और स्टेटस में क्लोज स्टेटस आएगा तो मेल फायर नहीं होगा। ओके, तो अभी ये देखिए 13 नंबर का वर्कफ्लो, एक तो हमने जो पुराना था वो हमारा ये रहा, अभी ये नया मेल आया उसका सेम डेमो था, असाइन कर दिया न्यू से। ठीक है, यहाँ पे हमने कस्टमर नीड्स टू क्रिएट ऑटोमेटिक ईमेल सेंडिंग जो ऑप्शन लिखा था वो और उसका रिजोल्यूशन। ओके, तो ये पूरा सॉल्यूशन है। कुछ लोगों ने हमें ये भी सजेस्ट किया है कि जब भी कमेंट अपडेट होती है तो उसको मेल जानी चाहिए, स्टेटस चेंज कुछ लोगों का ये है कि भी दो या तीन स्टेटस मेंटेन करते हैं और कमेंट्स मल्टीपल अपडेट करते हैं, समटाइम उससे बहुत सारे मेल्स आते हैं और कस्टमर डिस्टर्ब होता है उससे, तो उसकी वजह से हमने कमेंट पे ना रख के स्टेटस पे दिया है, लेकिन अगर आप कमेंट पे रखना चाहो तो वहाँ पे आपको स्टेटस की जगह कमेंट का फील्ड और लास्ट अपडेटेड डेट एंड टाइम लेना है, अकॉर्डिंगली वो मेल फायर करेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सेटअप का वीडियो था, शायद आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ और इम्प्लीमेंटेशन के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नाम है संकेत बारोट, मैं संगम CRM सेल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।